हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल इन उपाध्याय करियर क्लासेस। और इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि वेलोसिटी क्या कहलाती है। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, किस रेट से ये चेंज होता है, इसको जानने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया गया और उस नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हमने उसको कहा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए अगर हमें मैथमेटिकली जानना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखते हैं कि मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगा इसका। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। जब हमें किसी चीज के चेंज के बारे में जानना होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं? डिफरेंस। So, यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डिफरेंस अपॉन टाइम को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो द फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टी मतलब टाइम कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। अब क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन हमें पता चल गई, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। सो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैसे आई देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जबकि हमने जान लिया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम देख लेते हैं कि हाउ डू कार एक्सेलरेट्स। कार एक्सेलरेट कैसे करती है? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। तो कार एक्सेलरेशन के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इस एनिमेशन को। इस एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि जो ये कहलाता है आपका एक्सेलरेटर, ये होता है आपका क्लच, फिर आता है आपका ब्रेक और ये होता है आपका स्टेयर। तो इन चार चीजों को आप समझ लेते हैं कि क्या होती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो जब हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, जब हम एक्सेलरेटर को प्रेस जैसे हमने किया, तो हमारी स्पीड या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी चेंज कैसे होती है? एक्सेलरेटर पे पैर रखने के कारण ये वेलोसिटी होती है इंक्रीज। यहां पर क्लच काम करता है गियर को एंगेज और डिसएंगेज करने का, और ब्रेक जो करता है वो कार को स्टॉप करने का काम करता है। मतलब कि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है? वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो हुए दो तरीके वेलोसिटी को चेंज करने के, एक तो उसको एक्सेलरेट करना एक्सेलरेटर से, दूसरा इसको ब्रेक लगा के हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन एक और तीसरा तरीका है वेलोसिटी को चेंज करने का। जो तीसरा तरीका है वो है स्टेयरिंग व्हील। आप स्टेयरिंग व्हील को टर्न करते ही वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, और उसको, और यही कहलाएगा तीसरे नंबर का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब आपने एक्सेलरेट किया, मतलब आपने एक्सेलरेट किया तो यहां पर हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि आप वेलोसिटी के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन जब ब्रेक आप दबाते हैं, मतलब यहां पर आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है? आप अगेंस्ट दी वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर वेलोसिटी क्या होती है? कम होती हुई दिखती है, चेंज इन वेलोसिटी दिखती है। और इसी चेंज इन वेलोसिटी को, जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हम इसको कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डीएसिलरेशन, और इसी को हम कह देते हैं नेगेटिव एसिलरेशन, ठीक है। तो हमने समझ लिया पॉजिटिव एसिलरेशन नेगेटिव एसिलरेशन। अब जान लेते हैं वॉट इज जीरो एसिलरेशन, ठीक है। तो जब कोई गाड़ी या कोई कार जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा,
और जब जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है तब तक एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो बात थी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो एक्सेलरेशन की। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा उसमें हमेशा फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, सो v जो होगा आपका वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा u के। ठीक है, क्योंकि यहां पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है ना। फिर हम देख लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमेशा आपका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में आप क्या कर रहे हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन में v इज इक्वल्स टू यू होगा, क्योंकि यहां पर हमें जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, क्योंकि अगर v माइनस यू अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी है तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर दोनों वैल्यू सेम है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होने वाला है, जीरो। ठीक है, तो क्योंकि हमने जान लिया है एक्सेलरेशन क्या होता है, तो अब हम इसके टाइप्स को जानते हैं कि इसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसका पहला जो टाइप होता है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड जो इसका टाइप होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में कोई चेंज आता है, ठीक है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आता है और वो चेंज जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है टाइम के साथ में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो हम ऐसे टाइप के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जो वेलोसिटी आपकी होती है वो टाइम के साथ में यूनिफॉर्मली चेंज होती है। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको ऊपर से ले जाकर इसको अगर मैंने छोड़ा, ठीक है, फ्री फॉल अगर मैंने कराया टूवर्ड दी सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर मैंने अर्थ की सरफेस पे अगर मैंने क्या कराया, फ्री फॉल कराया, तो ये एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहां पे अर्थ के तरफ जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको कहते हैं ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसी को एक और नाम से हम बोलते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पर वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक कोई प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, वो फुटबॉल प्लेयर क्या कर रहा है, यहां वहां भागते हुए क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब जो वो कैसे भागेगा, वो नॉन यूनिफॉर्मली, कभी वो तेज भागेगा, कभी अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, कभी साइड में जाएगा। तो यहां पर जो आपको वेरिएशन को देखने को मिलेगा, वेलोसिटी में जो वेरिएशन होगा अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, जो अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में जो चेंजेस आएगा उसको हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारी बात थी एक्सेलरेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे, तो होप आपको ये वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज उपाध्याय करियर क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।